दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने श्री फोर्ट में 8000 मंगोलों की गर्दनों को काट करके ये जो दीवार देख रहे हैं आप, इन दीवारों में चिनवा दिया था। उस समय अलाउद्दीन खिलजी के नाम से मंगोल थर थर कांपा करते थे। और दोस्तों, ये मस्जिद के बाहर से आप देख सकते हैं किस तरीके की डिजाइनिंग इसमें की गई है। और दोनों ही तरफ आप देखेंगे दिए रखने के लिए तिकाल बोला जाता है, बना रखे हैं। और दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप, ये इसके अंदर आयतें लिखी हुई हैं अरेबिक में और काफी खूबसूरत है, रिनोवेट हो रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक ऐतिहासिक जगह पर जो कि है दोस्तों हौज खास में स्थित है और उसे कहा जाता है श्री फोर्ट। तो दोस्तों, ये किला है और ये जो देख रहे हैं आप, ये किले की दीवारें हैं। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस किले से जुड़ा हुआ इतिहास बताऊंगा, साथ ही साथ इस किले के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। और इसमें हमें देखने के लिए मिलेगी एक मस्जिद जो कि लोदी काल से ताल्लुक रखती है, वो भी दिखाऊंगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये मेन दरवाजा है इस किले में अंदर आने के लिए। और जैसे आप अंदर आते हैं तो आप देखेंगे कि आपको कुछ खंडर सी दीवारें दिखाई देंगी, कुछ अवशेष दिखाई देंगे दीवारों में। और जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि एक किले नुमा दीवार आपको देखने के लिए मिलेगी जो कि श्री फोर्ट की है। और ये दीवार ही दीवार रह गई आज के समय में। और इस ऐसा क्यों है, क्या कारण है कि ये दीवार रही, इसके पीछे का इतिहास भी जानेंगे। और काफ़ी साफ सफाई आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पे। और धीरे धीरे आप चलेंगे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो नज़र मारेंगे इन दीवारों पर, तो देखेंगे आप कि कुछ जंगली पत्थर होते हैं, उनमें मसाला वगैरह भर करके इन दीवारों को, किले की दीवारों को मजबूत बनाया जाता है। और काफ़ी बड़ी दीवार है ये, लगभग अंदाज़ा अगर आप लगाएंगे तो कम से कम 15 फीट की दीवार होगी है चौड़ाई में। और लंबाई तो इस किले की 8 किलोमीटर की नापी जाती है। बाकी ये देखेंगे आप, फिनिशिंग देखेंगे तो नीचे अंदर है जंगली पत्थर और ऊपर से टाइल्स का प्रयोग किया गया है, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों, बात करते हैं इस किले के इतिहास के बारे में। तो बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को मंगोलों से बचाव के लिए बनवाया था, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी इस किले का निर्माण करवा रहे थे तो उस समय मंगोलों के बहुत ज्यादा आक्रमण हुआ करते थे। और मंगोल बहुत ही ज्यादा एक हरामी किस्म के आदमी हुआ करते थे, जिनका ये मकसद था कि दुनिया से हर एक धर्म जाति को निस्तो नाबूद तबाह करना है। तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे बचाव के लिए इस किले का निर्माण और अच्छी तरीके से करवाना शुरू कर दिया था। तो बताया जाता है कि 13वीं सदी के दशक में जब मंगोलों का सरदार जनरल तरगी जब आक्रमण करने आया था अपनी पूरी फौज को लेकर के, तो वह इस किले की दीवार को हिला नहीं पाया था, जिसके कारण से अलाउद्दीन खिलजी की सल्तनत बच गई थी। तो उस समय भी बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपना पैर पीछे हटा रहे थे कि अब मंगोल खत्म कर देंगे, लेकिन उनसे ये दीवार नहीं टूटी, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल आगे चलता रहा। और बताया जाता है कि कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को अमरोहा में बहुत बुरी तरीके से खदेड़ा, और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को मंगोलों से बचाया, दिल्ली को, भारत को बचाया, और 8000 मंगोलों के सरों को काट करके इस किले की दीवारों में चिनवाया, और जो आप देखते हैं चोर मीनार जो मैंने आपको दिखाया था ब्लॉग में, वहां पर चिनवाया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों मंगोलों से बचाव के लिए इस किले का निर्माण। और मंगोल एक बहुत ही ज्यादा हरामी किस्म के आदमी हुआ करते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि दुनिया में कोई भी धर्म वगैरह ना रहे, और इसीलिए वह हर किसी शहर में जाते थे तो उसको तबाह कर दिया करते थे और हर आदमी को मार दिया करते थे। और दोस्तों, बताया जाता है कि वह कभी नहाते नहीं थे, तो 2-2 मील तक उनके शरीर में से बदबू आया करती थी, इतने ज्यादा गंदे हुआ करते थे मंगोल। और बताया जाता है कि जब मंगोलों को प्यास लगती थी तो वो ऊँट के खून को पिया करते थे, इतने ज्यादा जालिम हुआ करते थे दोस्तों। तो ये था दोस्तों श्री फोर्ट का इतिहास। और अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इस किले के अंदर जो मस्जिद है, मोहम्मद वाली मस्जिद, उसको दिखाता हूँ। तो ये जो देख रहे हैं आप, ये मेन दरवाजा है उस मस्जिद में जाने के लिए, और देखेंगे काफी खूबसूरत आर्ट किया गया है इसके अंदर। और देखेंगे आप, लेफ्ट एंड राइट फूल है जो कि ग्रेवयार्ड को दर्शाता है। मस्जिद के साथ साथ यहाँ पे शायद कब्रिस्तान भी होगा, तो उसी का सिंबल है ये। और ये जो मस्जिद है दोस्तों, ये लोदी काल से ताल्लुक रखती है, लोदी काल में इसको बनवाया गया था। तो ये है इसका मेन गेट, और अभी चलते हैं अंदर और अंदर से दिखाते हैं आपको मस्जिद किस तरीके की बनी हुई है। तो दोस्तों, ये देखेंगे आप, ये है मोहम्मद वाली मस्जिद जो कि लोदी काल से ताल्लुक रखती है। और इसकी डिज़ाइन देखेंगे आप तो काफ़ी आपको मेहराब देखेंगे आप, 3-3 मेहराब देखने के लिए मिलेगी लेफ्ट एंड राइट। और ये काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है दोस्तों,
बाकी आप देख रहे हैं कि इसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जगह जगह पे देखेंगे आप आयतें लिखी हुई हैं और इसमें डिज़ाइनिंग करी गई है, साथ ही साथ इसको रिनोवेट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। और अब चलते हैं बाहर की तरफ और आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे जो कब्रिस्तान है उसमें कब्र वगैरह है भी या नहीं है। तो दोस्तों अब हम बाहर आ गए हैं और ये तो देख रहे हैं आप, यहाँ पे कब्रिस्तान है और यहाँ पे आपको कब्र देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे इतना ही सब कुछ है और आप जब इस किले में आएंगे तो आपको डालना है मोहम्मद वाली मस्जिद, तभी आपको ये लोकेशन मिलेगी। और दोस्तों अभी मैं आप लोगों को जहाँ पर लेकर गया है ये बताया जाता है कि भी उस किले के अंदर ही आती थी जगह, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ लास्ट में क्लिप। तो ये पूरा जो हौज खास का एरिया है ये श्री फोर्ट के अंदर ही आता था, पूरा 8 किलोमीटर के दायरे में जो किला फैला हुआ था उसके अंदर में आता था। और ये बताया जाता है कि मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाया गया ये पहला भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैंने आप लोगों को बताया श्री फोर्ट के इतिहास के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में।